रवि श्रीवास्तव, शाहनवाज हुसैन ने बड़े सवाल उठाए महाराष्ट्र की सरकार पर, बोलिए। शाहनवाज जी से पहले ये पूछ लेते हैं कि एक अलग सा सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, ये बात इनको एक महीने पहले मालूम पड़ी, क्योंकि इसके पहले तो मैंने कभी इनका बयान नहीं सुना कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार रत्न है या बिहार के बेटे हैं या बिहार के बड़े अभिनेता हैं। ऐसी बात तो इनके मुंह से मैंने कभी पहले सुनी नहीं, ना तो इनके और ना इनकी पार्टी के किसी के मुंह से सुनी। तो इन्होंने आज ये रोटी सेकनी शुरू की है, पर कोई बात नहीं, वो इनका काम है, क्योंकि इनके नेता जो राजीव प्रसाद रूडी है वो भी कह चुके हैं आकर के कि हाँ हम तो राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम तो ये करेंगे, हमारा तो काम है, हमें तो देखना है पार्टी को। मेरा ये कहना है रोहित इसमें कि जो सीबीआई की जांच की मांग है स्वागत है, सबने मांगी थी, रिया चक्रवर्ती ने भी मांगी थी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, पर सीबीआई कोई क्रेडिबल एजेंसी है क्या? सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? 3% कन्विक्शन रेट है सीबीआई का। कितने बड़े अच्छे केस जो है इन्होंने वॉचअप किए, चाहे वो जिया खान का केस हो, उनकी माता जी राबिया खान जी अभी अभी आपके चैनल पे बैठी हुई थी और वो आज भी 6 साल बाद जिया खान की मौत के बाद आज भी न्याय का इंतजार ही कर रही है कि सीबीआई करेगी, सीबीआई ने न्याय देगी। न्याय मीडिया चैनल पे नहीं मिलता, न्याय कोर्ट में मिलता है, जहां पर इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंस होना चाहिए। रवि जी, इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि आज आपकी सरकार सीबीआई की जांच ना हो इस बात के लिए अदालत में खड़ी थी। आज आपके गृह मंत्री एक के बाद एक बार बार इनकार कर चुके थे कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अदालत को लगा कि होनी चाहिए। रोहित, अदालत ने धारा 142 का इस्तेमाल किया है, इसमें दो राज्यों के बीच का झगड़ा था, उन्होंने दोनों पे आरोप लगाए हैं कि दोनों राज्य इसमें राजनीति कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, मुंबई पुलिस के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है और इसके ऊपर उन्होंने सीबीआई को जांच करने के लिए कहा है। देखिए, एक राज्य में अगर जो केस हुआ है और दूसरा राज्य एफआईआर फाइल करेगा तो और जांच करना शुरू कर देगा तो देश में क्योस हो जाएगा। रवि जी, अगर मैं आप ही की बात से एक सवाल पूछ रहा हूँ, ममता जी के पास जाऊं उसके पहले, रवि जी आप ही की बात से एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, और बड़ा सीधा सा, कि अगर आपको ये लगता है दो राज्यों का झगड़ा था उसको निपटाने के लिए इन्होंने विशेष अधिकार के तहत सीबीआई को दे दिया, अगर उनको लगता कि नहीं मुंबई पुलिस बिल्कुल ठीक जा रही है और ये न्याय दिला सकती है, तो वो इस झगड़े को ऐसे भी तो खत्म कर सकते थे कहके कि ठीक है मुंबई पुलिस सही कर रही है, इन्हीं को करने दिया जाए, सीबीआई की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, बीच में बिहार पुलिस ये जांच सीबीआई को ऑलरेडी हैंडओवर कर चुकी थी, उन्होंने दे दिया था कि आप इसकी जांच करिए। अब चार चार एजेंसी अगर जांच करेंगी, बिहार पुलिस भी करे, मुंबई पुलिस भी करे, ईडी भी करे, सीबीआई भी करे, तो इससे तो अच्छा है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ठीक लिया कि भाई एक एजेंसी को दे देते हैं और कोई एफआईआर फाइल करनी है तो वो एजेंसी ही करेगी। ठीक है, पर एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इस तरह का आदेश देकर के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को बहुत डिमोरलाइज किया है।